खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। भारतीय पर्यटकों के बायकॉट के बाद से मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है और इसका असर मालदीव की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। ऐसे में मालदीव की एक टूरिज्म एजेंसी ने भारतीय टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए एडवर्टाइजिंग का नया तरीका निकाला है। इस एजेंसी का नाम मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेशन है। इसने भारत के कई शहरों में रोड शो करने का फैसला किया है ताकि भारतीय टूरिस्ट के बीच मालदीव की इमेज बदली जा सके और उन्हें एक बार फिर से मालदीव में घूमने के लिए प्रेरित किया जा सके। चारों तरफ समुद्र से घिरे मालदीव की इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय छुट्टियाँ मनाने आते थे, लेकिन इस स्थिति में बदलाव तब आया जब राष्ट्रपति मोइजू ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। मालदीव ने अपने यहाँ से भारतीय सैनिकों को भी बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया। इसके कुछ हफ्तों बाद पीएम मोदी ने लक्षद्वीप से अपनी फोटो शेयर की। इसके बाद सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप और मालदीव में कंपैरिजन होने लगा, जिसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि मालदीव सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए 3 मंत्रियों को हटा दिया था, लेकिन तब तक भारतीयों ने मालदीव टूरिज्म का बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसके बाद से लगातार भारतीय पर्यटकों की संख्या मालदीव में कम होती गई है। अब मालदीव इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कदम उठा रहा है और भारत से रिश्ते ठीक करने में जुट गया है। 8 अप्रैल को माले में भारतीय हाई कमीशन के साथ चर्चा के बाद मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने भारत के कई शहरों में रोड शो आयोजित करने के साथ टूरिज्म सहयोग बढ़ाने की भी योजना बनाई है। मालदीव की पर्यटन एजेंसी ने कहा कि भारत के प्रमुख शहरों में एक बड़ा रोड शो शुरू करने पर काम किया जा रहा है और इसके अलावा आगामी महीनों में इन्फ्लुएंसर और मीडिया को मालदीव के ट्रिप पर ले जाया जाएगा ताकि वे इसके बारे में जान सके। एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत मालदीव के पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। मालदीव को एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए एजेंसी भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री के अहम प्लेयर्स के साथ काम करेगी। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2023 में मालदीव का दौरा करने वाले 17 लाख पर्यटकों में 2,09,198 भारतीय थे। इसके बाद रूस और चीन का नंबर था। हालांकि भारत से विवाद के बाद मालदीव का दौरा करने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। भारतीय टूरिस्ट की संख्या 5वें स्थान पर खिसक गई है।